साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दिया था। साल 2022 है, 3 साल हो चुके हैं इस आदेश को, लेकिन आज भी ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आज भी दुकानदार जो है खुलेआम तौर पर पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं और लोग उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसे प्राथमिकता देते हैं। इसकी वजह यह है कि ये दुकानदारों को सस्ता भी पड़ता है और इसके साथ ही जो कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनके लिए भी ये मुनाफे का सौदा होता है। बड़े बड़े रिटेलर्स दुकानदार जो हैं वो कपड़ों का या फिर कागज़ से बना हुआ हैंडबैग देते हैं, लेकिन उसके बदले में वो 10 रुपये से 15 रुपये तक चार्ज करते हैं। इसी को लेकर जो पटना के कई युवा हैं उन्होंने एक इसका अल्टरनेटिव निकाला। आपका नाम? दृश्यजोई बैनर्जी। आप जो पेपर बैग्स बनाती हैं, ये आइडिया दरअसल कहाँ से आया, क्या ओरिजिन है इसका? श्योरली। सो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है सॉफ्ट मूव करके, एंड हम लोग 2021 से काम कर रहे हैं। सो हमने अलग अलग लोगों के लिए काम किया है, हमने फंड रेज किया है, हमने विंटर डोनेशन ड्राइव्स किए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी हमने किया। बट एक चीज़ जो हम सबको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है वो है पॉल्यूशन, एंड उसका मेजर कारण है प्लास्टिक बैग्स। एंड उसमें भी सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है वो ब्लैक पॉलिथीन जो सब्जियों के लिए यूज़ होता है। सो जब हम लोग बड़े शॉप्स में जाते हैं वहाँ पे पेपर बैग्स अवेलेबल होते हैं बिकॉज दे कैन अफोर्ड, बट जो ये छोटे शॉपकीपर्स है दे कांट अफोर्ड, क्योंकि प्लास्टिक बैग उन्हें 25 पैसे का पड़ता है। और अगर एक पेपर बैग या कुछ अल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट बैन लगा रही है, जो अल्टरनेटिव के लिए बोल रही है, वो उनके लिए कॉस्ट फ्रेंडली नहीं होता है। सो उस चीज़ को मीटअप करने के लिए हमने न्यूज़पेपर्स को रिसाइकल करके उससे पेपर बैग्स बना के उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देने का मुहिम शुरू किया है। तो बहुत बड़ी दिक्कत जो दिखाई देती है पॉलिथिन्स के साथ कि वो जब गाय वगैरह जो जानवर होते हैं जब वो खा लेते हैं तो वो भी एक बहुत नुकसान होता है, तो उसको कैसे आपका ये जो पेपर बैग्स है उसको कैसे आप काउंटर कर रही हैं? सो जो प्लास्टिक है वो काफ़ी ड्यूरेबल होता है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा चलन है, एंड इसलिए लोग कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं वो, जो कि जायज़ है। बट वो बिल्कुल भी डिग्रेडेबल नहीं है, एंड पटना के काफ़ी इलाकों में, इनफैक्ट बाईपास साइड में अगर आप जानते हैं तो वहाँ पे लैंडफिल्स हो रहा है इसी प्लास्टिक के वजह से, एंड जो गाय हैं बकरियाँ हैं दे ईट इट। सो ये बहुत ही हार्मफुल है, ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए भी। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हम उसे काउंटर करें। और जब आप लोग ये पेपर बैग्स लेकर जाती हैं शॉप्स पे, जो ख़ासतौर से खुदरा दुकानें हैं उसमें, तो क्या वो लोग आसानी से ले लेते हैं, क्या उनका रिएक्शन रहता है, क्या कठिनाई वहाँ आती है? कठिनाई ये आती है कि लोगों को कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल होता है। कुछ शॉपकीपर्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल भी रहे हैं, बट देर आर पीपल जो कहते हैं कि हम क्यों यूज़ करें, आपका इसमें क्या प्रॉफिट है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये हम लोग एक सोशल वर्क के इनिशिएटिव से कर रहे हैं। तो आप कब से ये बैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका दिन में कितना ये खपत हो जाता है बैग्स? बैग तो हम अब रेगुलर अब इस्तेमाल करना चालू किए हैं, लेकिन उसके पहले जो है ना कॉटन वाला पॉलिथीन इस्तेमाल करते थे। ठीक। जब दुकानदार कन्विंस हो जाते हैं, वो आपसे लेते हैं और वो जब अपने कस्टमर्स को देते हैं, तो क्या कस्टमर्स से उन्हें कोई फीडबैक रिव्यू जो आता है वो रिव्यू कैसा रहता है? कस्टमर्स आर वेरी ओके विथ इट, बिकॉज कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादातर एजुकेटेड क्लास के भी होते हैं, एंड दे नो कि प्लास्टिक से क्या पॉल्यूशन है। हमारा मेजर बैरियर शॉपकीपर को कन्विंस करना ही होता है। जितना प्लास्टिक है ना वो गलता नहीं है, जमीन के अंदर जाता है। कैंसर का 80% जो है ना, 80 या 90% जो स्थिति है वो प्लास्टिक के कारण होता है। पानी वगैरह जो हम लोग पीते हैं ना वो प्लास्टिक का अंश होकर ही जाता है नीचे, फिर हम लोग ऊपर आता है फिर पीते हैं ये, लेकिन ये जो है नेचुरल है, इसके कारण आपको पोल्यूशन नहीं होगा। गाय वगैरह देखते हैं वो पोलोथीन में कचरा डाल कर फेंक देता है, गधा सब कहता है कि हम खराब है वो खराब है, सबसे ज़्यादा खराब तो वो है जो कि गाय को कचरा खिला देता है प्लास्टिक के साथ। बढ़िया लोगों के लिए है, आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाला जो पीढ़ी है उसको हम लोग कुछ दे के जाएंगे इसको यूज़ करने के बदला। ये नहीं कि पूरा पॉल्यूशन से लिपटा हुआ ज़मीन नहीं देके जाएंगे, ये यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन से लिपटा हुआ ज़मीन नहीं मिलेगा उधर को। इनिशिएटिव को लेकर क्या आप लोगों ने कभी गवर्नमेंट से कोई बातचीत करने की कोशिश की, या जो पर्यावरण मंत्री उनसे कभी आपकी इस चीज़ को लेकर बातचीत हुई, इस इनिशिएटिव को लेकर? जी बातचीत तो चलती है, बट जो टॉप लेवल पर जो डिस्कशन होता है या जो वो लोग डिसीजन्स लेते हैं उसको ग्राउंड रियलिटी बनाने तक
बहुत सारी बाधाएं आती हैं। इसीलिए हमने इस चीज़ को भी इस पर्सपेक्टिव से लिया है कि हम लोग डायरेक्टली रिटेलर्स से बात करेंगे ताकि वो ग्राउंड लेवल पे आ सके चेंज। अभी फ़िलहाल हमारी टीम 60 लोगों की है। हमने जनवरी में ही लाइक न्यू ईयर के साथ ही इसका स्टार्ट किया है, इस वाले प्रोजेक्ट का, सॉफ्ट मूव केस प्रोजेक्ट का। एंड अभी ऑल ओवर इंडिया में 60 लोग हैं एंड बिहार जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे हमारी 17-18 लोगों की टीम है। पटना में भी कुछ लोग हैं, काफ़ी लोग। हमने कोई इसमें बैरियर नहीं रखा, हमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अभी हमारी टीम में 12 साल के बच्चों से लेके हाउसवाइफ्स भी हैं हु आर इन देयर 40s एंड वी वुड बी हैप्पी अगर और भी लोग जुड़ सकें, छोटे बच्चे या बूढ़े लोग, कोई भी। आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से पटना के युवाओं ने फ्री में और सस्ते रद्दी अखबारों को रिसाइकिल करके उनके थैले बनाए और लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आपको ये उनकी मुहिम कैसे लगी ये आप खुद उन्हें सीधा डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम पे या मेल करके बता सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट और ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे हीरो हैं जिनकी कहानी दुनिया तक आज तक सामने नहीं आ पाई है और जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप भी उनके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर जानकारी दें, हम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। नमस्कार। Hi, I am Ritika from St. Michael's High School, Patna, and I am a contributor to the Paperback Project. Hello, I am Chandan Govardhane from Baramati, Pune, and I am the proud contributor of the Paperback Project. Hi, I am Anshika Singh from National Institute of Fashion Technology, Kolkata, and I am a contributor to the Paperback Project. I am Rhea from DPS Kolkata. I am with Paperback Project. Hi, I am Nisha Raj, a student of Don Bosco Academy, Patna, and a contributor to the Paperback Project. Hi, I am Tanisha Jaiswal from Sri Shikshanathan College, Kolkata, and I am happy to contribute to the Paperback Project. Hi, I am Richa Vyas from NL College, Mumbai, and I am a contributor to the Paperback Project. Hi, I am Anshanshi from Magad Mahila College, Patna, and I am a contributor to the Paperback Project. Hi, I am Anantika Chaudhary from Inspire Academy, Tejpur, and I am contributing to the Paperback Project.